हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जिस बाइक का रिव्यू, आपको जिस बाइक की प्राइस, आपको रेंज के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस बाइक का नाम है जी होंडा CD70। तो मैं आपको इसके कलर्स के बारे में बताऊँगा और इसकी प्राइस के बारे में बताऊँगा कि होंडा ने इसकी न्यू प्राइस कितनी लॉन्च की है, लेटेस्ट अपडेट इसकी आई है कि कितनी प्राइस इसकी इंक्रीज़ की गई है और कौन सा कलर आने जा रहा है 2023 में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भाई भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से ये होगा कि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके क्रिएटिव कलर्स के बारे में, कि कलर्स इसमें कौन कौन से आने वाले हैं। तो कलर्स आपके सामने, इसके अंदर इन्होंने एक अलहदा सा कलर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में सोचा है। होंडा वालों ने एक ब्लैक, रेड और ब्लू कलर इन्होंने सोचा है कि हम होंडा के 70 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो ब्लू कलर भी इन लॉन्च होने का चांस है। तो जो स्टिकर के बारे में बात कर लेते हैं, टैंकी टापे के स्टिकर के बारे में बात कर लेते हैं, तो टैंकी टापे का स्टिकर बिल्कुल 2022 मॉडल जैसा ही होने जा रहा है, लेकिन इसके स्टिकर के अंदर भी जैसे होंडा चेंजेस करता होता है तो वैसे ही इसके अंदर भी आप दोस्तों को चेंजेस देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही क्रिएटिव सा को इसके अंदर स्टिकर देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर होगा। तो अब बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस के बारे में, कि प्राइस कितनी रखने जा रहा है होंडा। अब बात कर लेते हैं इस डिसेंट सी बाइक की प्राइस के बारे में, कि होंडा इसकी प्राइस कितनी रेंज तक रखने जा रहा है। तो इस बाइक की प्राइस आपको 1,16,500 तक आपको ये बाइक आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, लेकिन होंडा जैसे दिन ब दिन अपनी प्राइजेज इंक्रीज़ कर रहा है तो इसकी प्राइस भी और इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। लेकिन प्राइजेज इंक्रीज़ करने के साथ साथ होंडा इसकी एवरेज को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है कि इस बाइक की एवरेज और भी अच्छी हो जाए। तो आप दोस्तों देख ही सकते हैं कि पेट्रोल के रेट कितने ज़्यादा हैं, तो पेट्रोल की एवरेज भी बहुत ही अच्छी होने वाली है।